हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक कंटेंट मैं और लेकर के आया हूं गाइस। तो मैं बता दूं, यहां पे आपके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन लेकर के आया हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो को नहीं देखा है, आपने इस आयरन के बारे में डिटेलिंग नहीं देखी है, इस आयरन के बारे में आप नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। ये जो आयरन है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि हमेशा कंटेंट लेकर के आता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डरिंग का आयरन, ये जो है T210 यहाँ पे आया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट है और यहाँ पे अच्छा वर्क भी कर रहा है। जो आप सुगुन का लेते थे, सुगुन का समथिंग वो 11-12 हज़ार रुपये का आता था। ये जिसकी इसकी प्राइसिंग भी हम मेंशन करेंगे, तो प्राइसिंग के भी मेंशन यहाँ पे फुल डिटेल के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं गाइज। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है सारी चीज़ें। तो उसको हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ पे ये हमें मिल जाता है पैड और यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ साइड, आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड गाइस। और चलिए यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये दो बॉक्सेस मिल गई हमारे यहाँ पे। अब इन दोनों बॉक्सेस में देखते हैं कि क्या क्या है सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ लाइव अनबॉक्सिंग। तो इसके साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे सारी चीज़ें। मैं पहले निकाल लेता हूँ गाइस, यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये और क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। बीट वगैरह और ये बीट जो कि प्रीमियम बीट, ये बीट भी महंगी आती है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बीट भी महंगी आती है। और ये क्लीनिंग के लिए है सारी चीज़ें, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये बीट हो गया, ये साइड में हो जाता है। और चलिए बॉक्स है तो हम कर देते हैं साइड और दूसरे बॉक्स को खोलते हैं गाइस। इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा पावर केबल और इसमें आपको मिल जाएगा सोल्डिंग यहाँ पे बॉक्स, तो इसको भी हम कर देते हैं साइड। तो देख सकते हैं इसका जो लुक है गाइस, प्रीमियम लुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो T210 यहाँ पे ब्रांडिंग है, इसका मॉडल नंबर है। ये भी ESD सेफ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रॉपर यहाँ पे डिजिटल है। और इसके ओवरऑल बॉक्स की बात करें, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है, लाइट वेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पीछे की बैग की बात करें तो आपको पावर स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको एडाप्टर लगने का मिल जाता है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्यूज़ का मिल जाता है और यहाँ पे हमारे कनेक्शंस है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वार्निंग वगैरह शो होती है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसका जो डीलर का डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस चलिए इसको हम फटाफट इसको असेंबल करते हैं और यहाँ पर आपको फिर दिखाते हैं। तो ये हम कर रहे हैं इसकी इंस्टॉलिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग में यहाँ पे आपने देखा कि जो ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड में हमें ये केबल आप नहीं लगाएंगे तो कटआउट आपका नहीं करेगा, आपका टेम्परेचर जो भी मेंटेन नहीं करेगा। तो ये हमने पावर केबल लगा दिया है, वो हमने पावर केबल को लगा भी दिया गाइस। अब मैं यहाँ पर इसके हैंडल को भी लगा देता हूँ और ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए ले होता है फ़िलहाल, ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हो फिलहाल। तो चलिए फटाफट हम इसको लगा देते हैं। ये बहुत इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और ये आपका बीट जो कि बीट जो है हम आपको दिखा दें, यहाँ पे बीट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं गाइस। इसमें हमने बैंड वाला लिया हुआ है और यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप इसमें 3-4 बीट आते हैं, 3-4 मॉडल के बीट आते हैं, आप बीट को भी ले सकते हैं जहाँ आप देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से ये निकल जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है बहुत सिंपल तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, लग जाता है और यहाँ पे बहुत मतलब बहुत टफ नहीं है। इसका जो हैंडल है, इसका जो स्टैंड है बहुत ही प्रीमियम है और दिखने में भी बहुत ऑसम है। तो चलिए आपको चालू करके दिखाते हैं गाइस इसका एक लुक। इसको मैं कर देता हूँ साइड, तो यहाँ पे हम चालू करते हैं तो ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा फुल डिजिटल है और ये कुछ ही सेकेंड में हिट हो गया गाइस। जैसे क्योंकि मैंने निकला हुआ है 300 पे हिट है, कुछ ही सेकेंड में ये हिट हो गया है 300, देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो चुका है। जैसे मैं इसको स्टैंड में रखता हूँ तो आप देखेंगे तुरंत ही ये हमारा टेम्परेचर को लो कर देगा, मतलब हमारा यहाँ पे ऑफ कर देगा उसको, देख सकते हैं। और गाइस ये जो है इसका यूजेबल है, आप यहाँ पे इसको क्लीनिंग प्रोसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी क्लीनिंग प्रोसेस है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें पकड़ने में। तो गाइस जैसे कि हमने इसको स्टैंड में वापस जैसे ही रखा, इसका टेम्परेचर जो है डाउन होना चालू हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसका जो काम है बहुत इजी है, आप इसका जो टेम्परेचर है इसका, मैं फुल अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे हैंडल को निकाल लेता हूँ और आपको टेम्परेचर को दिखा देता हूँ कि कितने टेम्परेचर तक हीट होता है हमारा। ये आपका 450 के अबव यहाँ पे चला जाता है टेम्परेचर जो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 500, 450
आपको यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई देगा गाइज, ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम 450 तक हीट चला जाता है, पर ये आपकी यूज़ के ऊपर है आप कितना यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आप 300 भी कर सकते हैं, 300-350 जो आपका यूजेबल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी जो उसका स्टैंड है, जो इसका पेन है, जो पकड़ने के लिए जो इसका हैंडल है, बहुत ही वर्केबल है, कोई मोटा नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड है, हाई बहुत वेटेड नहीं है, और ये जो हीट है जो प्रॉपर बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और यहाँ पे आप नोजल में खास बात देखेंगे, जो आप हर एक बीट में आप देखेंगे कि ब्लैक हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे कार्बन का इशू बहुत कम है और काम करने में बहुत ही औसम होता है गाइज। तो ये जो मेरे हिसाब से अभी जो आप T12X और T12 Pro जो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे T210 जो इसका मॉडल आया है बहुत ही प्रीमियम लुक है। यहाँ पे जो इसका कटआउट का सिस्टम है, जो इसका टेम्परेचर आप बंद करने के बाद जैसे वेस्टेड जाता है, आपका हीट प्रॉपर रहता है, ऐसा नहीं है। ये जो है मॉडल है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सुगुन का जो आप 12,000 रुपये का लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइस। बाकी ये आपको यूज़ करने पे पता चलेगा कि कैसा है, बाकी जो प्रीमियम लुक है और यूज़ कर भी रहे हैं इसका, मैं ओवरऑल अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका रिव्यू भी हम डालेंगे कि ओवरऑल रिव्यू कैसा है सारी चीज़ों का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिव्यू चाहिए, क्या कैसा चाहिए। फिलहाल मैंने इसकी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और इसके बारे में फुल डिटेल बताया है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। ये अप्रॉक्स आपका 4 से 5 हज़ार रुपये ऐसा ही होगा, 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि हर एक डीलर आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं, पर कुछ डीलर का मैं आपको नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोल्डरिंग आयरन आपको कैसा लगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सोल्डरिंग आयरन आपको कैसा लगा। देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 0 हो गया है, जो कि यहाँ पे बीट जैसे आप इसको उठाएंगे वैसे ही फटाक से हमारा ये हीट होना चालू हो जाएगा प्रॉपर गाइस। तो यहाँ पे बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं T210 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपका ये कैसा यूज़ हो रहा है, सही है कि नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।